आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी होगी और बहुत खुश होगी और काफी अच्छे से अपना ख्याल रख रही होगी। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी ब्लीच जो कि आप कहीं पार्टी या फंक्शन में जा रहे हैं और आपको अपने चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो की जरूरत है। आप चाहती हैं कि आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा शाइन करे, ग्लो करे और पार्टी में सबकी नजरें आपके ऊपर टिक जाएं, तो आज का ये जो वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत अमेजिंग है गाइज। और इसका मैंने अभी इस्तेमाल किया है और इस वक्त आज आपको मेरा चेहरा पहले से कहीं ज्यादा ब्राइटन और पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और पहले से कहीं ज्यादा टाइट दिख रहा होगा। तो ये कमाल है इसी मास्क का जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 110% आपको रिजल्ट मिलने वाला है, बशर्ते ये कि जिस तरह से मैंने इसमें आपको लगाना बताया है उसी तरीके से आपको ये ब्लीचिंग मास्क अप्लाई करना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दिया है। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बेहद मान्य रखता है और उसी से मुझे ढेर सारी इंस्पिरेशन मिलती है अपनी फैमिली के लिए और अच्छा करने की। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आज ही विजिट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपने विद बेल आइकन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। चलिए देखते हैं कि ये ब्लीचिंग मास्क हमें किस तरह से बनाना है। इतने इंग्रेडिएंट हम लेने वाले हैं, सब कुछ हमारे घर में बहुत आसानी के साथ मिल जाने वाला है। तो इस ब्लीचिंग मास्क को बनाने के लिए खाली बाउल हमें ले लेना है गाइस, और सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कॉफी पाउडर, ठीक है। आप कोई भी कॉफ़ी ले सकती हैं, मैं नेस्कैफे का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। कॉफ़ी इंस्टेंट वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही ख़ास तरीके से काम करती है गाइस। ये हमारी स्किन को इंस्टेंट ब्राइटन करती है, इसके अलावा दाग धब्बों को भी ख़त्म करती है और स्किन टोन को इवन करती है। यहाँ तक कि अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, या फिर धूप की वजह से आपकी स्किन डल हो गई है, काली हो गई है, सन टैन की प्रॉब्लम है, तो उसको भी ये ख़त्म करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉफ़ी कितनी ले लेनी है, सिर्फ हाफ टी स्पून हम कॉफ़ी पाउडर ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है गाइस, वो बहुत ही ख़ास है, वो है आलू, ठीक है। हर किचन में मिलता है ये आलू, मगर ये बहुत ही कमाल का काम करता है हमारी स्किन के ऊपर। इसके अंदर भरपूर मात्रा में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, चेहरे को ये नेचुरली ब्लीच करता है, इसके अलावा दाग धब्बों पे को भी ये ख़त्म करता है, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे स्किन टोन को फेयर करने में भी आलू बेमिसाल काम करता है, ठीक है। तो एक हमने आलू ले लिया है, इसको धोकर हम पील कर लेंगे और कद्दूकश की हेल्प से हमें इसे ग्रेट कर लेना है और इसका रस स्ट्रेनर की हेल्प से प्रेस करते हुए हमें एक बाउल में कलेक्ट कर लेना है। तो मैंने बहुत छोटा सा आलू लिया हुआ था, लगभग 2 चम्मच इसमें इसका रस आ गया है, ठीक है। तो 2 टीस्पून हमें इसमें आलू का रस ऐड कर देना है कॉफ़ी पाउडर के अंदर गाइज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है टोमेटो। टोमेटो एक ख़ास इंग्रेडिएंट होता है हमारी स्किन को टाइटन करने के लिए, ठीक है। इसमें पाया जाता है लाइकोपिन, जो कि हमारी स्किन को इंस्टेंट ब्राइट करता है, स्किन को टाइट करता है, इसके अलावा हमारी स्किन को पिंकिश ग्लो देता है ये। और टोमेटो के इस्तेमाल से आप अपने दाग धब्बों को भी ख़त्म कर सकते हैं और अगर आप अपनी स्किन टोन को इवन करना चाहती हैं, यहाँ तक कि स्किन को टाइटन करने के लिए भी टोमेटो काफ़ी अच्छा काम करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक टोमेटो ले लिया है, हमें सिर्फ आधा टमाटर का रस चाहिए, तो इसी में वो हम स्क्विश करेंगे। इसमें टोमेटो के सीड्स ना आए गाइस, इसलिए हम स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लगभग 1 टीस्पून ही हमें इसमें टोमेटो का जूस ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद गाइस हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच वाइल्ड टर्मरिक, ठीक है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो उसका इस्तेमाल करें आप, नहीं तो आप किचन हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर वाइल्ड टर्मरिक अगर आपके पास है तो वो भी आप ले सकती हैं। जो मैं वाइल्ड टर्मरिक इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से बाई कर सकती हैं। कस्तूरी हल्दी का काम होता है हमारी स्किन टोन को इवेंट करना। अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट जैसे दाग धब्बे हैं, निशान हैं, या फिर एज स्पॉट नज़र आने लगे हैं, तो उसके लिए भी कस्तूरी हल्दी बहुत ही अमेजिंग वर्क करती है हमारी स्किन के ऊपर। तो सिर्फ हमें 1 पिंच इसमें टर्मरिक ऐड कर देनी है, वाइट टर्मरिक मैंने ली है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे लेमन जूस गाइस। फ्यू ड्रॉप्स हमें सिर्फ लेमन जूस की ऐड कर देनी है। जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि लेमन इंस्टेंट वाइटनिंग के साथ ही साथ एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, हमारी स्किन को नेचुरली ये ब्लीच करता है। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है तो आप इसको स्किप कर सकती हैं, अदरवाइज आपको इसमें फ्यू ड्रॉप्स यानी लगभग 4 से 5 बूंदे लेमन जूस की ज़रूर ऐड कर देनी है। ये हमारी इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है।
अब लास्ट में गाइस, इस ब्लीचिंग फेस मास्क में जो इंग्रेडिएंट हम ऐड करने वाले हैं वो इस ब्लीचिंग मास्क का बेस है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एवर यूथ का पील ऑफ मास्क, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते ही होंगे, तो उनके घर में भी होगा। तो यहाँ पे हमें लगभग 1 टीस्पून एवर यूथ पील ऑफ मास्क इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमने कॉफ़ी इसमें ऐड करी है। कॉफ़ी के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, वो अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाने चाहिए। सारे इंग्रेडिएंट आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे लगभग 1 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से स्पून की हेल्प से मिक्स कर लिया है गाइस। और ये बहुत ही प्यारा सा अमेजिंग हमारा ब्लीचिंग फेस मास्क बनकर तैयार है, जो कि हमारी स्किन को गोल्डन ग्लो देने वाला है, स्किन को टाइटन, ब्राइटन और लाइटन करने वाला है, और इंस्टेंट वाइटनिंग देने वाला है। तो अब हमें इसे लगाना किस तरह से है, तो गाइज इस ब्लीचिंग मास्क को आपको ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना है। ये याद रखें, ये बिल्कुल पतला नहीं लगना चाहिए आपकी स्किन के ऊपर। एक थिक लेयर आपको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है। और इस मास्क को गाइज आप अपने हैंड के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप अपनी नेक के ऊपर भी लगाएं इसको। तो बहुत अच्छी तरह से आपको ये ब्लीचिंग मास्क अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है, ठीक है गाइज। और नेचुरली आपको इसको सूखने देना है। एक बात का आप खास ख्याल रखेंगी, ये मास्क आपका जब तक पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए आपको इसको हटाना नहीं है। अगर आप इसको ड्राई नहीं होने देंगी तो ये अच्छी तरह से आपका पील नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ देर आपको वेट करना है, आधा घंटा भी आपको लग सकता है, या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा भी आपको लग जाए, ठीक है। जब हमारा अच्छी तरह से ये पील ऑफ मास्क ड्राई हो जाए तो आप देखेंगे कि साइड से ये हल्का सा निकलने लगा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना मुझे, ये देखिए साइड से ये निकल रहा है। अब हमें अपवर्ड डायरेक्शन में इसको धीरे धीरे करते हुए ऊपर की तरफ निकालना है। गाइज इस मास्क का एक और ख़ास काम है कि ये आपके फेशियल हेयर को भी रिमूव करता है। अगर आपके चेहरे पे हल्के फुल्के से बाल हैं, फेशियल हेयर हैं, ठीक है, तो ये इनको भी ख़त्म करता है। तो ये देखें आप कुछ इस तरह से जब मैं निकाल रही हूँ गाइज, तो उसी के साथ मेरे हल्के हल्के से फेशियल हेयर भी ऊपर की तरफ निकल के आ रहे हैं। और बहुत ही अच्छी तरह से हल्के से जब आप निकालोगी ना, तो चारों तरफ से एक एक साइड से आपको ऐसे ऐसे करते हुए ये धीरे धीरे से ऊपर की तरफ ले जाना है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ हटाओगी, ये आपका ये ब्लीचिंग मास्क अच्छी तरह से निकलने लगेगा। बहुत आसान है इसको रिमूव करना, बट थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है, तेज़ी से आपको उखाड़ना नहीं है, क्योंकि फेशियल हेयर में आपको थोड़ा सा दर्द ज़रूर फील होगा, मुझे भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, कुछ इस तरह से धीरे धीरे करते हुए मैंने इस ब्लीचिंग फेस मास्क को अपने फेस के ऊपर से हटा दिया है। और मेरा फेस ना बिल्कुल पिंक सा लग रहा है मुझे इस वक्त, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मुझे ब्राइट लग रही है। तो गाइस अभी हमें अपने फेस को वॉश नहीं करना है, थोड़ा सा हम रोज़ वाटर लेंगे और कॉटन की हेल्प से उस रोज़ वाटर को डैब डैब करते हुए हम अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे, ताकि हमारी स्किन नॉर्मल हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा स्किन का इम्प्रूव हो गया है ना, उसमें थोड़ा सा आराम मिल जाए हमको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डैब डैब करते हुए गाइस अपनी स्किन को थपथपाते हुए ये रोज़ वाटर अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर लिया है। और 5 मिनट के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाटर से अपनी स्किन को वॉश कर लिया है। तो रिजल्ट आपके सामने है गाइस, बेहद अमेजिंग रिजल्ट है। मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी जब मैंने इसको पील ऑफ किया था गाइस। इंस्टेंट इसने मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लो दे दिया है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन कर दिया है। पहले से कहीं ज़्यादा मेरी स्किन मुझे टाइट फील हो रही है। तो अगर आप भी पार्टी या फंक्शन में जा रहे हैं, या फिर कोई फेस्टिवल है और आप चाहती हैं कि आपकी स्किन पे जल्दी से ग्लो आ जाए, तो उसके लिए ये आप ब्लीचिंग फेस मास्क अप्लाई कर सकती हैं। बेहद रिजल्ट अमेजिंग है गाइज इसके, और इसका इस्तेमाल जब आप एक बार कर लें तो इसके रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज इस वक्त चल रहा है फेस्टिव सीजन, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, तीज आ रही है। इस तरह में अगर आप फेशियल पार्लर जाके नहीं करा पा रही हैं और घर पर ही कुछ अच्छा सा ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं, तो इस ब्लीचिंग फेस मास्क को आप सब जरूर ट्राई कीजिएगा। बेहद बेहद अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे, और इंस्टेंट वाइटनिंग के साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही प्यारा सा ग्लो आने वाला है, क्योंकि मैंने आज खुद इसे ट्राई किया है और आप मेरी स्किन पे एक विजिबल ग्लो आज आप देख पा रहे होंगे। तो ये वीडियो अगर मेरी फैमिली को पसंद आया है, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो मेक श्योर कि मेरी फैमिली ने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया है, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बेहद मायने रखता है। चैनल पे पहली बार आए हैं, विद बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। और जहां पे भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, प्लीज़ मेरे वीडियोस की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।